मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने नोटबंदी को सबसे बड़ा स्कैम बताते हुए एक वीडियो जारी किया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के मुताबिक इस वीडियो के जरिए 15% कमीशन लेकर पुराने नोट बदलने का पर्दाफाश हुआ है। आखिर क्या है कांग्रेस का आरोप, इस बारे में कपिल सिब्बल से बात की गो न्यूज संवाददाता अजय झा ने। एक तरफ सरकार की जांच एजेंसियां कई जगहों पर छापे मार रही है, कांग्रेस का आरोप है कि खासतौर से विपक्षी पार्टियों के और नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल हैं। सर, आज एक स्टिंग के जरिए आप लोगों ने भी दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से नोटबंदी के दौरान पैसे को एक्सचेंज किया। हिंदुस्तान का इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम ये नोटबंदी का स्कैम है, और आज मुझे लगता है कि जैसे हमने लोगों ने वीडियो देखा है उससे साफ जाहिर है कि ये कोई नाटक नहीं हो रहा, ये असलियत है। और उस असलियत की वजह से 15-40% तक जो भी एक अपना नोट एक्सचेंज 500 का 2000 में करता था उसको 15-40% तक फ़ायदा होता था, कमीशन मिलती थी। अगर किसी एक वर्ग को कमीशन मिल जाए तो अरबों करोड़ का हो सकता है वो। तो आज मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री जी कि जल्दी से कहें कि जिसने भी ये काम किया है उन पर छापे लगने चाहिए, और जो जो भी है उनको अरेस्ट करना चाहिए। कुछ लोग इनके जानकार भी हैं, जो वीडियो में दिखाए गए हैं मोदी के जानकार भी हैं। अगर वो वाकई में करप्शन के खिलाफ हैं तो उन पर छापा लगाएं। अमित शाह जैसा, ऐसे कई नाम हैं जो सीधे लिए जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, वो तो वीडियो में सब लिखा है। तो अगर ये ईमानदारी की बात करते हैं और एंटी करप्शन बात करते हैं तो लगाएं छापे। आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर 6 महीने पहले ले लिया जाता है, वहाँ लिखा है, वहाँ दिखाया गया है। ये इसकी जाँच होनी चाहिए ना, ईडी द्वारा, इनकम टैक्स द्वारा, सब लोगों द्वारा जाँच होनी चाहिए। और जिस तरह से ट्रेजरी से पैसे आए वो भी जाँच होनी चाहिए। आचार संहिता लगा हुआ है, एक तरफ कमलनाथ के जो करीबी हैं ओएसडी उनके घर पे छापे पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन को भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इस तरह का मामला खुलासा हो रहा है? इलेक्शन कमीशन से बात हुई है, अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या करता है। अभी तो खैर बायोपिक चलेगा और नमो टीवी चलेगा, उसमें तो कोई इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा नहीं, आज तक तो किया नहीं। अब देखते हैं क्या करता है इलेक्शन कमीशन। और जो छापे अरुणाचल में होने चाहिए थे, 1.8 करोड़ जो मिला था उस कॉन्वॉय में, उस पर तो कोई किसी ने कुछ किया है नहीं। उसमें प्रधानमंत्री जी वहाँ मौन है क्योंकि वो अपनी पार्टी है, वहाँ चीफ मिनिस्टर उनके अपने हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो सहयोग दे रहे हैं। तो इनको अपनों को तो वो छेड़ेंगे नहीं और दूसरों को छोड़ेंगे नहीं। सवाल, एजेंसियां देख रही हैं सारी चीजें, इससे पहले अपोजिशन पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉकेट में हैं। कौन सी एजेंसियां देख रही हैं? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आप देख ही रहे हो सीबीआई में हुआ क्या। तो ये सारी एजेंसीज तो इनकी पॉकेट में है। मतलब कि अगर एजेंसीज और सरकार एक तरफ हो जाएं तो देश का लोकतंत्र तो खत्म हो जाएगा ना। तो फिर उम्मीद जनता से। धन्यवाद। तो सीधे सीधे कपिल सिब्बल जी का कहना है कि उम्मीद जनता से है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।